पूरा देश कोरोना वायरस के कारण दहशत में है, लेकिन मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में लॉकडाउन के दौरान भी सैकड़ों लोगों को जमा कर CAA NRC के विरोध में प्रदर्शन करने वाले अपनी मनमानी कर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों से शहर इमाम से लेकर सपा सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, SSP सहित सभी लोग धरना समाप्त करने की अपील कर चुके थे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मनमानी और हट धार्मिकता के चलते लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे थे। मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद सरकार ने मुरादाबाद पुलिस और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाकर तुरंत उसको साफ कराया जाए। आदेश मिलने पर 12 बजे पुलिस प्रशासन के अधिकारी भारी फोर्स के साथ ईदगाह मैदान में धरना स्थल पर पहुंचे और वहां बैठे लोगों को हटा दिया। भारी पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारियों ने भी समर्पण कर दिया और धरना स्थल से जाने लगे। पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। धरना समाप्त होने से जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तलब ये वबा जल्दी से जल्दी, और मैं ये आपके जरिए पैगाम भी देना चाहता हूँ कि वो एहतियात जो सरकार ने बताई है घरों में रहने की, वो हमें सब पर लागू होती है और हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे राष्ट्र की जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमें रखना। 56वां दिन था। तो अब क्या निर्णय लिया है आपने? क्या निर्णय तो कल ही हो गया था, क्योंकि महामारी से कोई नहीं लड़ सकता। हमारा प्रदर्शन जारी रहे, हमारा आंदोलन जारी रहे और पूरा देश खत्म हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। अच्छा, तो अब आपने क्या निर्णय लिया? सब निर्णय लिया हमारे आइम्मा हजरात ने और हमारे अधिकारियों ने, हमें बहुत सहयोग किया इस 57 दिन, और हमका शुक्रगुजार भी। निर्णय ये लिया कि हम स्थगित करते हैं, जैसे ही महामारी से हमारा राष्ट्र आज़ाद हो जाएगा हम फिर अपनी बात के लिए आएंगे। थैंक यू। धरना चल रहा था, अब कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, लॉकडाउन भी हुआ, तो अब कैसे माने ये लोग? एक मिनट हो गया, तुम दूर दूर रहो यार, है ना, हम वीडियो में ही उल्लंघन कर देंगे। सही कह रहे हैं ना, दूर दूर रहो अब। और करीब आ गए सर, कैसे माने ये लोग जो हटे 29 जनवरी से धरना चल रहा था? ये 29 जनवरी से यहाँ ईदगाह में लगातार धरना चल रहा था, इसको लेके प्रशासन और पुलिस द्वारा इनको नोटिस दिए गए थे, और जब ये कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में इन सबको जागरूक किया गया, और कल रात को इनकी जो धरना कमेटी थी उनमें से कुछ मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट भी किया। यहाँ पे लोगों को बताया कि हम ये धरना ख़त्म करना चाहते हैं इस कोरोना वायरस के दृष्टिगत। उनमें से कुछ लोग थे जो अभी भी बैठे हुए थे, फिर अभी पुलिस और प्रशासन दोनों हम लोग यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो बैठे हुए लोगों थे उनसे बातचीत करी, उन्हें भी समझाया, और ये लोग भी इस समय धरनास्थल को स्थगित करके अपना जा चुके हैं। जो टेंट वगैरह है वो क्या लगा रहेगा आगे, या स्थगित है या समाप्त है? इन्होंने अपने कल के जो अपना अवगत कराया कि इन्होंने अभी अपना स्थगित कराया, इन पे इनसे बात करके इसमें पूर्ण रूप से CNRC के बारे में जो भी भ्रांति है इनके बारे में बताया जाएगा, उसको समाप्त कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो अन्य जो इंतजाम है उसको भी देखते हुए इनको भी हटवाया जाएगा।